अब आइए खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि अजमेर से सामने आ रही है। अजमेर की घूसखोर पुलिस का चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। फरियादी से पैसे लेते वीडियो वायरल हुआ है। अजमेर न्यायिक मजिस्ट्रेट 5 के बाहर का यह मामला है। अजमेर कोर्ट में रिश्वत का खेल जिस तरीके से चल रहा था और वो तस्वीरें यहाँ कैमरे में कैद हो गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहाँ घूसखोर पुलिस का चेहरा कैमरे में कैद हुआ है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कैसे एक पुलिसकर्मी, एक फरियादी जब उसके पास पहुंचता है तो उससे खुलेआम रिश्वत ली जा रही है। तो अजमेर न्यायिक मजिस्ट्रेट 5 के बाहर का यह मामला है। दरअसल बताया जा रहा है कि अजमेर कोर्ट में जब फरियादी अपनी फरियाद लेकर पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने उससे रिश्वत की मांग की। तो ये तस्वीर भी हम इस वक्त दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि किस तरह से ये वीडियो अब वायरल हो गया है, जहां पर फरियादी से पैसे लेते हुए घूसखोर पुलिस जिसका चेहरा बेनकाब यहां पर हो गया है। तो अब सवाल ये कि आखिरकार इस वीडियो के वायरल होने के बाद क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पर इस पुलिसकर्मी के खिलाफ हो पाई है। तो अजमेर के न्यायिक मजिस्ट्रेट 5 के बाहर का यह मामला है, जहां पर अजमेर कोर्ट में रिश्वत का खेल किस तरह से परवान है उसकी ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं। और बड़े बड़े दावे जो हैं किए जाते हैं घूसखोरी को रोकने के लिए, करप्शन को खत्म करने के लिए, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में कई सवाल खड़े करती हैं, क्योंकि सुरक्षा देने के साथ साथ फरियादियों की फरियाद सुनने का भी दम भरा जाता है पुलिस की तरफ से। लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां एक पुलिसकर्मी साफ साफ कैमरे में कैद हो गया है। एक फरियादी जब उससे फरियाद लेकर पहुंचा तो वहां खुलेआम रिश्वतखोरी की मांग उसकी तरफ से की गई। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि पैसे गिनता हुआ ये जो पुलिसकर्मी है कैमरे में कैद हुआ है। और इस वक्त हमारे साथ अजमेर के एसपी राजेश सिंह जी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजेश जी, एक सोशल मीडिया पर वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जहां एक फरियादी पहुंचता है, शायद आप फर्स्ट इंडिया पर इस वक्त देख भी रहे होंगे, एक फरियादी पहुंचता है अपनी फरियाद को लेकर और वहां उससे फरियाद सुनने की एवज में रिश्वत की मांग की जाती है। मेरी जानकारी में नहीं, आपके मीडिया का फोन आया था कि ऐसा कुछ वायरल हो रहा है, मैंने तो देखा है और यदि मेरे सामने लाया जाता तो बिल्कुल इसकी जांच करा के कार्रवाई कराएंगे। राजेश जी, क्या कार्रवाई की जाएगी? और अब ये जो अब आप कह रहे हैं, आपने आपने वीडियो किस वक्त देखा और कितना वक्त बीत चुका है? देखा ही नहीं मैंने तो अभी तक नहीं। आप अगर अपने टीवी में अगर फर्स्ट इंडिया का चैनल लगाएंगे तो उसमें आप ये तस्वीरें देख पाएंगे बखूबी कि किस तरह से घूसखोरी का खेल चल रहा है। काम करें होगा, घूसखोरी होगा जांच करें कार्रवाई करेंगे। सर चलिए मान लेते हैं कि आपने नहीं देखा, लेकिन वहां पर बहुत सारे पुलिसकर्मी मौजूद हैं। अगर फरियादी वहां पहुंचते हैं फरियाद लेकर, अगर पुलिसकर्मी उनकी नहीं सुनेंगे तो फिर कहां जाएं, न्याय की गुहार किससे लगाएं? तो न्याय तो बैठे नहीं यहां पे, हम किस लिए बैठे हैं? हमारे पास आए, इनको शिकायत तो आना चाहिए ना, यहां पे आके बताएं, किसी की शिकायत है बिल्कुल उस पर कार्रवाई होती है पूरी। लेकिन राजेश जी, अगर आप कुछ चीज देख रहे हैं, कुछ गलत होता हुआ देख रहे हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं अपने आप में, ये अपने आप ही शिकायत है, तो क्या आप अनदेखा कर देंगे इस तरह की शिकायतों को, इस तरह के मामलों को बंद करने के लिए अनदेखा करेंगे क्या आप लोग? आप अनदेखा का आरोप तो गलत लगा रहे हैं आप शायद, क्योंकि सर आपने पहले बताइए, तस्वीरें देखी हैं आपने? नहीं देखी मैंने। नहीं देख पा रहे हैं तो ट्यून इन करिए ना फर्स्ट इंडिया, आप देखिए उन तस्वीरों को, वायरल हो रही है वो तस्वीरें। अब कौन सा चैनल देखें कौन सा नहीं देखें आप बताओगे तो उस हिसाब से देखेंगे एक्चुअली। लेकिन सर जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है, कम से कम आप इस वीडियो की सत्यता की जांच तो करवाएंगे ना? बिल्कुल कराएंगे, अगर मैं देखता हूँ, आप बता रहे हो तो देखता हूँ सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है, हमारा ग्रुप है उसको एक्टिव करते हैं, अगर वीडियो ऐसा कोई है बिल्कुल जानकारी कराएंगे। क्या आप फर्स्ट इंडिया पर आश्वासन देते हैं कि सत्यता की जांच कराने के बाद आप इस पर एक्शन भी लेंगे? बात होगी ना आपसे, बात होगी ना, आश्वासन अलग कोई चीज थोड़ी होती है, कोई आपको बता दिया अगर मैं ऐसा कोई वीडियो है बिल्कुल जाँच कराएंगे उसकी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त हमारे जो सहयोगी हैं वो भी योगेश सारस्वत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, अभी हमारी एसपी से भी बातचीत हुई थी, पहले तो वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने वीडियो देखा ही नहीं क्योंकि सोशल मीडिया पर ये तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि अब जब मेरे सामने खबर आई है तो मैं इसकी जांच पड़ताल करवाऊंगा। जी बिल्कुल सही है कि सोशल मीडिया पर ये इस तरह का एक वीडियो वायरल हो रहा है और एमवी एक्ट के जो चालान होते हैं एसीजेएम 1 के अंदर पेश किए जाते हैं, जहां पर न्यायाधीश
अवकाश पर होने की स्थिति में ये सारे मामले ट्रांसफर कर दिए गए थे एपीएम 5 के पास। वहीं पर ये रामगंज थाने का एलसी बताया जा रहा है जिसका नाम कमलेश होना है और वहां पर फरियादी से बाहर ही रुपयों का लेन देन करता हुआ इस तरह का वीडियो है और किसी ने कोर्ट में इस वीडियो को वायरल कर दिया था और उसके बाद सोशल मीडिया पर उसे अपलोड कर दिया गया जो तेजी से शहर भर में वायरल हो रहा है और चर्चा। बिल्कुल योगेश, ये वीडियो अब तेजी से वायरल तो हो रहा है लेकिन जब एसपी से यहाँ पर बातचीत की गई उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्या नजरअंदाज यहाँ पर किया जा रहा है एसपी की तरफ से इस वीडियो को, ये कहें कि देखा गया होगा लेकिन अनदेखी यहाँ पर सामने आ रही है। जी अमूमन पुलिस का ये नजरिया रहता है कि जब तक उस स्पीच को लिंगर ऑन कर दिया जाए और अगर मामला बढ़ता है तो उसकी तहकीकात शुरू कर दी जाए, कुछ इसी तरह का नजरिया यहाँ पर फिलहाल देखने को मिल रहा है। जिस तरह से सोशल मीडिया के ग्रुप में आया है वो निश्चित तौर पर पुलिस के ग्रुप में भी वो वीडियो वायरल हुआ है और ये ऐसा नहीं कि ये एसपी तक नहीं पहुंचा हो या अन्य अधिकारी तक नहीं पहुंचा हो, ये जरूर पहुंचा होगा। अब देखना है कि ये कब तक इस पर कार्रवाई कर पाएंगे, इस पर लगाम कस पाएंगे। जी योगेश एक सवाल, क्या आपकी यहाँ पर बात हो पाई है एसपी से, क्योंकि हमने तो बात की तो यहाँ पर सीधे तौर पर नकार दिया है, जिम्मेदारी को कहीं ना कहीं वह भूल गए हैं कि अगर इस तरह का वीडियो सामने आता है, शिकायत नहीं आती है तो उसके बाद वो किसी तरह का एक्शन उठाए, तो क्या आपकी बात हो पाई है और आप कोशिश करिएगा कि जो वीडियो उन्होंने नहीं देखा है जिस बात का वो जिक्र कर रहे हैं उस वीडियो को आप दिखाइए और पूछे कि क्या कार्रवाई हो पाएगी इस पर। बिल्कुल सही है कि उनसे बातचीत की जाएगी इस विषय के अंदर कि क्या उनके पास ये जानकारी आई या नहीं। अभी वो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के अंदर जो फिजिकल कैंप चल रहे हैं उसके अंदर वो मौजूद हैं, हो सकता है कि नहीं देखा हो लेकिन उन्होंने जरूर कहा है कि वो कार्रवाई करेंगे, तो निश्चित है कि वो कार्रवाई जरूर करेंगे इसके अंदर। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका योगेश इस जानकारी के लिए। तो एसपी खुद हमारे साथ जुड़े थे और साफ तौर पर वो ये कह रहे थे अपनी जिम्मेदारियों से बचते नजर आए कि मैं ऐसे कौन कौन से चैनल्स देखूं और मुझे और भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में कई सवाल खड़े करती हैं कि कैसे यहां जो रिश्वतखोरी का खेल है खुलेआम चल रहा है लेकिन सबके सब आंखें बंद किए हुए बैठे हुए हैं।